हे गाइस, मैं हूं कौशल और आज है हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 17। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी अ पायलट इन इंडिया। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मेरी जो एक वीडियो थी मस्ट सुसाइड नाउ, उस पर 100 लाइक्स आ गए हैं, मोस्ट लाइक वीडियो भी बन गई है मेरे चैनल की। सो अगर आपने नहीं देखी है सो यहाँ पे आ रहा होगा, इसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसका पार्ट 2 आ रहा है, ठीक है, मैं अनाउंस कर रहा हूँ पार्ट 2, लेकिन अभी इस पर पूरा बताऊंगा, एक 2 मिनट की वीडियो आएगी, इसके बाद ही मैं बना लूँगा कि कब आएगा, क्या होगा सब। तो उस वीडियो को ज़रूर देखेगा, चाहे ये भी देख लो, पर उसे मत छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। सो आज का टॉपिक है पायलट कैसे बने। सो चलिए शुरू करते, पहले समझो यार कि पायलट कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है कमर्शियल पायलट्स, एक होते हैं मिलिट्री पायलट। सो मिलिट्री पायलट्स तो वही NDA वगैरह सब होता है, ठीक है, एयरफोर्स। तो अगर मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। जो ये है, अब इसमें क्या है कि कमर्शियल में आप किसी बंदे के लिए भी प्लेन उड़ा सकते हो, या हेलीकॉप्टर होता है ना, जैसे कोई बड़ा स्टार है, राइट, कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी है, तो उसके लिए होता है ना सिक्योरिटी वगैरह, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। या फिर आपने सिंपली एयर अस्ताना में जाना है, एयर इंडिया में जाना है, इंडिगो में जाना है, उन सब के लिए प्लेन उड़ाने जो कमर्शियल्स हैं, तो उसमें भी जा सकते हो। सो ये बस डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ी जानकारी दी। तो बात करें इसके क्राइटेरिया की, तो आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, भारतीय नागरिक अगर आप हो तो आप इसको दे सकते हो। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, एज इतनी मैटर नहीं करती, 16 ईयर्स में ही आप SPL ले सकते हो, ठीक है। तो SPL क्या है वो सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने PCM स्ट्रीम से हो, प्लस वन प्लस टू में नॉन मेडिकल से हो, तो ऑब्वियसली बात है फिजिक्स और मैथ्स होगी आपके पास। तो फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश, इन तीनों में इंडिविजुअली 55% आपको चाहिए, राइट। उसके बाद आता कि अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर मेडिकल से हो, तो क्या करें, तो यार एक तो आपके पास इंग्लिश तो होगी, प्लस वन प्लस टू में मोस्ट केसेस में होती है, तो उसमें 55% आए हैं। उसके बाद अब आपको फिजिक्स में भी चाहिए, मैथ्स में भी चाहिए, तो यार होते हैं NIOs, तो वो क्या होते हैं यार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो वो आप दिल्ली में भी है, वो सब आप चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर NIOs के बारे में और जानना है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो बन जाएगी। तो क्या होता है ना कि NIOs में आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत सिलेबस पता लगेगा आपको, फिर आप उसका फिजिक्स का और मैथ्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो वो कैसे होगा वो सब अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक तो लिंक है, और अगर मुझसे जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। भैया मेरे स्पेक्स लगी है, मैं कैसे करूँगा? तो ये यार बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्पेक्स के साथ हम जा सकते हैं या नहीं, हम सिलेक्ट होंगे या नहीं। तो हाँ यार, स्पेक्स का मतलब होता है थोड़ा कि आपकी जो नज़रें हैं तेज़ होनी चाहिए इन सब चीज़ों में, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि स्पेक्स के बिना नज़रें तेज़ होनी चाहिए, राइट। आप जब वो टेस्ट दोगे, विजन का आपका टेस्ट होता है 6x6, तो अगर आपने उसमें से फुल मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप सिलेक्ट कर लिए जाओगे, तो उसमें आप स्पेक्स डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो होते नहीं, वो छोटे छोटे जो ऐसे लगाते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, एनीवेज जो भी कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सो मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा आपको। बात करें एडमिशन की, तो एक मैं आपको लिंक देता हूँ, DGCA.NIC.IN, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा, ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एडमिशन्स के लिए। तो इसमें आपको लेटेस्ट जानकारी वगैरह, कट ऑफ्स वगैरह सब मिलते रहते हैं, वैसे तो 55% ही होता है, पर फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि जब भी हम एडमिशन लेने जाते हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाएं, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो क्या होना चाहिए कि DGCA से अप्रूव्ड होना चाहिए, राइट। अगर वो काउंट ही नहीं हो रहा और वो आपको ठग के जा रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको पहले चेकआउट करना है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप अच्छे से उनकी वेबसाइट पर चेकआउट वगैरह सब कर सकते हैं। तो अब एडमिशन कैसे होगी, तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, अगर रिटर्न एग्ज़ाम में अप्रूव हो गए आप, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा, 2 मेडिकल्स होंगे, पहले होगा मतलब अभी आप मान के चलो एक ही होगा, मेडिकल 2। तो मेडिकल 2 में क्या होता है कि वो आपको कुछ दे देंगे कि ये लैब से, यही लैब से, इनसे ही करा सकते हो, तो आपको उनका अपना मेडिकल कराना है, अपना देखना है, कोई डिजीज़ वगैरह कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं निकली, सब सही निकला, तो आप ले लिए जाओगे। ये कोर्स यार अप्रॉक्सीमेटली 16-25 मंथ्स के बीच में वेरी कर सकता है, अप्रॉक्स होता है 18 मंथ्स, बट
सबके बदलते रहते हैं राइट, किसी को ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। तो बात करें इसके लाइसेंसेस की, तो सबसे पहले आपको मिलता है यार SPL। मेरे आवाज़ को पता नहीं क्या हुआ। SPL में क्या होता है यार, आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। तो इसमें आप एक डिफाइंड एरिया के बीच में, डिफाइंड गाइडलाइंस के बीच में उड़ा सकते हो, ठीक है, कि इससे बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद जब आपके 60 आवर्स या 60 प्लस आवर्स पूरे हो जाते हैं, तब आपको मिलता है PPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस, कि मतलब आप किसी बंदे के लिए, जैसे मैंने कहा, उड़ा सकते हो, सिविल में नहीं जा सकते, इसमें जा सकते हो। जब आपके 210 घंटे पूरे हो जाए राइट, फिर आपको CPL मिल जाता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो फिर आप जो इंडिगो है, जो एयर अस्थाना है, उन सब में भी जा सकते हो, लेकिन आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, वो लेंगे कि नहीं वो अलग बात है। सो इसकी जो कॉस्ट है इस पूरे कोर्स की, तो वो यार वेरी करती, बहुत ज़्यादा वेरी करती है। मतलब आप किसी कॉलेज वहाँ पे जाओगे तो 4 से 5 लाख का आराम से फ़र्क होगा। तो सिंपली मैं बता देता हूँ ये कैसे पता कैसे लगा सकते हैं हम। 9,000 ये यार एक होता है कि इससे कम तो नहीं मिलेगा आपको, जहाँ मर्जी रिसर्च कर लो, पर आर प्लेन उड़ाने का आपको 9,000 देना पड़ रहा है, ठीक है, पर आर प्लेन उड़ाने का 9,000 अगर देना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करें इस चीज़ की, मल्टीप्लाई बाय अगर हम 200 भी लगा लेते हैं राइट, अप्रॉक्स 18 लाख तो भरने ही पड़ेंगे राइट। सो 18 लाख तो बहुत बहुत बहुत, जब बेसिक्स 9,000 भी नहीं मिलता आप कहीं पे, मतलब अगर हम अप्रॉक्स मान के चलें तो शुरू यार हो जाता है 20 लाख से, बाकी खर्चे भी होते हैं, ठीक है, आपने थ्योरी भी तो पढ़नी है, तो 20 से ही अब 40 तक भी जा सकता है। तो ये आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, जहाँ पे अच्छा भी हो, अप्रूव्ड भी हो DGCA से, और रेट थोड़ा सही मिल जाए। जब आप ये करते हो तो गारंटेड नहीं होता कि आपको एडमिशन मिलेगी ही मिलेगी राइट, मतलब आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर कोई आपको कोई एयरवेज लेता है तो वो क्या चाहता है यार, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कार लेने जाते हो तो वो पहले आपको फीचर्स बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको उनकी कार की हर चीज़ पता लग जाए अच्छे से राइट। तो वैसे ही होता है इसमें भी, कि वो एक पूरी ट्रेनिंग कराते हैं, पूरा प्रोग्राम होता है उनका, टाइप रेटिंग प्रोग्राम। क्या होता है? टाइप रेटिंग प्रोग्राम, ये आपको करना पड़ता है अगर आप उसमें और एडवांस में जाना चाहते हो, कमाई भी ज़्यादा होगी इसके बाद, या कई बार करना ही पड़ता है जॉब के लिए, नहीं तो उसके जॉब मिलेगी नहीं आपको। तो टाइप रेटिंग प्रोग्राम पर्टिकुलर, जैसे एयर अस्थाना का हुआ, इंडिगो का हुआ, ये नहीं होता कि कोई कहीं से भी कर सकते हो, जिसमें चाहिए जॉब उसमें जाओगे। तो इसका खर्चा 20-30 L आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम टोटल, अब ये हाईएस्ट है ठीक है, टोटल मिला दे तो 70 लाख लग जाएंगे आपके यहाँ तक पहुँचने में। 1-2 सालों में यार ये टर्म भी बहुत ज़्यादा चर्चा में आई है, पायलट्स वगैरह जिनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने का, उनको पता होगा, कैडेट प्रोग्राम फॉर पायलट्स, कैडेट पायलट प्रोग्राम राइट। तो ये यार सीधा आप 12th के बाद दे सकते हो ये सब, और ये भी जो मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कैडेट, इसमें क्या होता है कि आप कोई पर्टिकुलर कंपनी के लिए एग्ज़ाम देते हो, लाइक फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इंडिगो, आपने इंडिगो के लिए एग्ज़ाम दिया कैडेट प्रोग्राम के लिए स्पेशली, तो उन्होंने आपको रिक्रूट किया, अगर पास हो गए सेम रिक्वायरमेंट्स होंगी ठीक है, जो मैंने बताया इंडियन होना चाहिए या वो सब, और सेम प्रोसीजर आपका, फिर टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद मेडिकल वो सब। और लेकिन इसमें क्या है कि पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं राइट, उसमें 70 लगे थे, इसमें स्टार्टिंग 70 है, उसमें मैक्सिमम 70 थे, तो 70-80 L लग सकते हैं आपके। लेकिन इसमें यार एक चीज़ होती है कि आपको इसके बाद जो मिलेगी ही मिलेगी, और इसमें क्या है कि ये CPL भी और टाइप रेटिंग प्रोग्राम भी, क्योंकि वो अपनी कंपनी के लिए ही आपको तैयार कर रहे हैं राइट, तो इसमें दोनों आ रहे हैं, तो इसके 70 और इसके 70-80, 80-90 तक भी जा सकता है। तो अगर हम बात करें सैलरी की, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता था ज़्यादा, तो मैंने क्या किया यार, एक कोई एयरवेज का खोला ठीक है, उसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ था कि इतना 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 अप्रॉक्स, तो ये भी अप्रॉक्स है, तो उसमें से मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। अगर आपने 1000 आवर्स पूरे नहीं किए हैं राइट, तो आपको 1,70,000 के अराउंड मिल जाएगा। पर एक चीज़ याद रखना कि उन्होंने साथ में ये भी लिखा था कि टैक्स GST वगैरह लगेगी इस पे ठीक है, इन पे भी
नो जीएसटी है तो इस पर अभी लगेगी, ठीक है, वो सब बातें अलग है। 1000 to 2000 2 लाख, अगर 2000 to 3000 उड़ाया है आपने घंटे तो वो हो जाएगा 2,50,000। अब ये प्रॉक्स है, 3000 plus 3 लाख, अब ये 3,50,000 भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसके बीच में और भी बहुत से फेसेस आते हैं छोटे छोटे, जैसे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हो, ये 3,10,000 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सो कैप्टन बन गए तो 6,30,000। फिर अब इसकी अपर लिमिट बहुत ऊपर तक आप जा सकते हो, जहाँ तक जाना चाहो, मतलब हमारे में लोअर लिमिट जहाँ तक आप पहुँच सकते हो। मतलब मैंने आपको कहा मुझे सैलरी के बारे में इतना नहीं पता कुछ, तो इतना तो मिल जाता है, बट बाकी अगर आपको और नॉलेज चाहिए और कुछ चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं। अगर उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो फ्लाइंग बीस्ट है, और बाकी सब आपको पता ही होगा, आप भी यूट्यूब पे ही हो तभी तो मेरी वीडियो देख रहे हो। सो आई होप गाइस आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो पायलट बनना चाहते हैं, जो कन्फ्यूज्ड हैं कि पता ही नहीं है क्या करना है, उनके साथ मास्टर एक्शन शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी जैसे आपको कहा उसका पार्ट 2 आ रहा है, उसके लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। नमस्ते।